प्रीपोजिशन बट को छोड़कर के अतिरिक्त, इट मीन्स एक्सेप्ट को छोड़कर के अतिरिक्त, यहां पे एक अल्टरनेशन दिखलाता है, एक विकल्प दिखलाता है, अल्टरनेटिव सेंस पाया जाता है। देखा जाए तो इसमें कार्य करने के लिए दो बट, उसमें कोई एक करता है दूसरा नहीं, प्रीपोजिशन बट, जबकि आप जानते हैं बट एक कंजक्शन के जगह पे भी कार्य करता है और बट कभी कभी एडवर्ब का भी कार्य करता है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कंफ्यूजन जो आप अक्सर करते हैं वह यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजक्शन के रूप में करते हैं, हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आइए देखते हैं, तुम्हें छोड़कर सब कोई वहां था, एक तो तुम और एक सब कोई, देखा जाए तो यहाँ पे क्या आया है छोड़कर, तुम्हें छोड़कर सब कोई वहां था, एक तुम एक सब कोई, इसका मतलब तुम नहीं थे बाकी सब थे, विकल्प दर्शा रहा है। और चूंकि प्रीपोजिशन क्या होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करता है, श्योरली हम देखते हैं। बट ऐसा ही कुछ यहां पर एक्ट कर रहा है, तुम्हें छोड़कर सब कोई वहां था, यू नो देयर वाज, सब कोई एवरीवन, तुम्हें छोड़कर बट यू, देयर वाज एवरीवन बट यू, तुम्हें छोड़कर, तो बट के पहले क्या है एवरीवन, प्रोनाउन, यू क्या है प्रोनाउन, यहां प्रोनाउन और प्रोनाउन दोनों को रिलेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहां पे बट क्या है एक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, तुम्हारे अतिरिक्त कोई व्यक्ति, तो तुम हो और एक दूसरा व्यक्ति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम कर सकते हो बाकी नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए क्या है यहाँ पे विकल्प दे रहा है, और साथ साथ बट का जब प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में आता है ना, तो वहां पे विकल्प के साथ साथ जो है निगेटिव सेंस इंटायरली छिपा रहता है। देखते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, नो बडी, नो बडी, नो बडी हो गया कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त ये हो जाएगा बट यू, तुम्हारे अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, नो बडी के अतिरिक्त बट तुम्हारे का यू, नो बडी बट यू। लास्ट देखते हैं, सकता है, एक तरह से यहाँ पे क्षमता को शो कर रहा है, कैन और करने का डू और इसे का इट, तो यहां पर भी देखा जाए बट जो है नो बडी और यू को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे नो बडी यू को रिलेट कर रहा है, दोनों क्या है नो बडी और यू, दोनों प्रोनाउन है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों प्रोनाउन प्रोनाउन को एड कर रहा है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। एक को छोड़कर सब चले गए, एक को छोड़कर, एक तो है एक बाकी सब, यह भी विकल्प है, एक रुका बाकी सब चले गए, है ना विकल्प, देखते हैं, एक को छोड़कर सब चले गए, सब आल को छोड़कर बट आल बट एक वन, आल बट वन, एक को छोड़कर सब चले गए, लास्ट में देखते हैं वेंट अवे, आल बट वन वेंट अवे, यहां पे देखा जाए तो बट जो है आल और वन को रिलेट कर रहा है, आल क्या है प्रोनाउन, वन क्या है प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहां पर बट जो है क्या है प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो जब बट किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से, या एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या दोनों प्रोनाउन हो, या एक प्रोनाउन एक नाउन हो को रिलेट करे, तो वहां पे बट जो है प्रीपोजिशन का कार्य करता है। लेकिन वही बट कनेक्शन का कार्य कब करेगा, जब दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को क्या करता है एड करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं यहाँ पे, यस हरीश पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, आप देख रहे हो कि हरी इज पुअर यह सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट ये भी सेंटेंस है, दो सेंटेंस को यहां पे ऐड कर रहा है, तो यहां पे बट क्या कहलाएगा कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां पे दो प्रोनाउन को या दो नाउन को ऐड नहीं कर रहा, बल्कि दो सेंटेंस को जब ऐड करेगा तो वहां पे क्या कहलाएगा, वह कंजक्शन का कार्य कर रहा है। जैसे यहां पे है बी साइलेंट, चुप रहो बट डोंट टेल अ लाई, लेकिन झूठ मत बोलो, तो यहां पर देखा जाए बट इस प्रकार से दो सेंटेंस को यहां पे क्या कर रहा है एड कर रहा है, तो जब दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को एड करेगा, दो फ्रेज को एड करेगा, तो वहां पे वो कंजक्शन का कार्य कर रहा है, और बाकी जगह यहां पे आप देख रहे हैं बट या प्रोनाउन प्रोनाउन को एड कर रहा है, तो वहां पे वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से बट का प्रयोग हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहां पे वह प्रीपोजिशन है और कहां पे वह कंजक्शन है। एग्जाम में कंपटीशन में ऐसे ही सेंटेंस पूछ देता है, कभी कभी पूछता है हरी इज पुअर
बट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे बट क्या है, ऑप्शन दे देता है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, बट क्या है, एक कंजक्शन का कार्य करता है। अगर ऐसे दे दे, देयर वॉज एवरी वन बट यू, अब पूछ दे कि बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वट इज द फंक्शन ऑफ बट हियर इन दिस सेंटेंस, और ऑप्शन दे देता है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, तो सिंपल सी बात है, प्रोनाउन प्रोनाउन को एड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से एग्जाम, कंपिटेटिव एग्जाम में भी इसका यूज समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, नेक्स्ट प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कर देना।